Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंची हैं। अस्पताल के बाहर रिया पेपराजी के कैमरों में कैद हुई। इस दौरान रिया काफ़ी अपसेट और दुखी नज़र आ रही थी। लंबे समय से रिया और सुशांत के बीच अफेयर की खबरें थीं। दोनों की साथ में कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी। हालांकि रिया और सुशांत ने अफेयर पर कभी भी मुहर नहीं लगाई थी। सुशांत ने सुसाइड से पहले रिया चक्रवर्ती से फ़ोन पर बातचीत की थी। अब दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। रिया के साथ उनके परिवार के साथ करीबी लोग भी कूपर अस्पताल पहुंचे। रिया सुशांत की करीबी दोस्त थी। सुशांत का यूं चले जाना रिया के लिए बड़ा सदमा है। सुशांत के परिवार के सदस्य ने दावा किया है कि इस साल नवंबर में एक्टर की शादी भी होने वाली थी। हालांकि सुशांत की शादी किससे होने वाली थी, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। जल्द ही रिया का बयान दर्ज किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का सुशांत के सुसाइड पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। रिया ने सोशल मीडिया पर भी सुशांत के लिए कुछ पोस्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने इतने कम उम्र में अपने ज़िंदगी को खो दिया और जिस तरीके से फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, उसके बाद से बस एक ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। आखिरकार डिप्रेशन का रीज़न क्या है, ये तो आगे आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।